ए रईस भाई पवन बांके जी कहीं उठो उठो चार पांच जी उठ के चल दी ए देख जी हूं जाते अच्छा नहीं जाते उगरे का था पवन भाई बैठो बैठो करके कविता ली ताकि आदमी बैठ जाए बहुत अच्छा ढंग से भाई पवन बांके बिहारी जी हंसाइस गुदगुदाइस और संदेश के बात कही ये कवि के विशेषता होते हालांकि स्त्री के बारे में छत्तीसगढ़ में आके ही बोले सकते बंगाल में कर हिम्मत नहीं है कि बोल के बता देते वो कहते स्त्री क्या है शक्ति है कहते तो पुरुष क्या है तो सहन शक्ति है कहते काबा की हर पुरुष एक स्त्री से शादी करके और प्रकोप अपन ऊपर साथ है और जय स्त्री के शादी नहीं होकर प्रकोप पूरा प्रदेश उद्देश्य साथ है विश्वास नहीं बंगाल जाके देख ले वहां एक बार मोर पत्नी ने का सूझीस एक बार मोर पत्नी ने का सूझीस मोर ले उपटांग प्रश्न पूछी कई कस जी अगर मोर बिहाव पड़ोसी ले होती तब हम मोर ले अतकी माया करता मैं कह हाँ कहते मोला तो यकीन नहीं है मैं कह जा पड़ोसी की पत्नी से पूछ ले मैं कह प्यार में मैं नहीं करो कंजूसी तय रचा है पड़ोसी कहे अच्छा जो पति पत्नी के रिश्ता है ते चुंबकीय सिद्धांत पे आधारित होते अपन पत्नी प्रति विकर्षण पड़ोसी पत्नी प्रति आकर्षण लेकिन कभी कभी हमें न्यूटन के तीसरा नियम भी लाग जाते क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया कभी कभी न्यूटन के तीसरा नियम भी लाग जाते और ज्यादा अति कर पत्नी पड़ोसी के साथ भाग जाते अच्छा एक बार एक कवि सम्मेलन में गए तो मैं देखे सामने में महिला बैठे रहे तो बढ़िया कविता सुनाते सब हंसे और हंसते नहीं रहे बिल्कुल घूर घूर के देखते रहे मैं कह बहन जी सब हंस रही आप क्यों नहीं हंसते घूर के देख रहे हो कहीं बोल तो तुम ठीक रहे हो कहते लेकिन तुम्हारी शकल मेरे ससुर से मिलती है कहते एक ठो सुंदर महिला बैठे रहे वो बिल्कुल नहीं हंसत रहे मैं कह आप कैसे नहीं हंस रही है कहते नहीं आप हंसा तो ठीक रहे हो कहते लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा है कि आधा इंच से ज्यादा मत हंसना वरना फाउंडेशन फट जाएगा कहते तो बहुत जने नाम से भी नहीं हंसे चलो मैं फिर से हास्य के धारा प्रवाहित करेगा एक नौजवान कवि भाई हीरामणि वैष्णव जो कि बहुत तेजी से पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन कर रहे थे भाई हीरामणि वैष्णव जी आमंत्रित करना चाहा था और अभी अभी एक शादी के भी जिक्र करे कि अगर शादी काबा नहीं होती लाडली भाई एक शादी एकर भी नहीं होती कोई ग्रह नक्षत्र के दोस्त नहीं है ये बहुत शर्मिला आदमी है एकदम लजत है वो पिछले बार के घटना लड़की देखे के रहे लड़की वाला मन लड़की लड़का ले एक साथ बैठा दी कहीं आपस में बात कर ले समझ ले एक दूसरा आधा घंटा हो गया कुछ नहीं बोलत रहे एक दोस्त कही बोल हिम्मत जुटा के लड़की से कही बहन जी कहा थे आपके कितने भाई है कहा थे लड़की कही अभी तक तो दो थे तुमसे बिहाव के बाद तीन हो जाएंगे कहा